नमस्ते। थैंक यू अंकल। लली बेटे सबसे पहले पोएम सुनाओ। ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हम छोटे छोटे हाथों से कर देंगे जादू जादू सुमंत्र। अंकल मेरा नाम है लली। बेटे बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ती हूँ कच्ची क्लास में। कच्ची क्लास? बेटे ये कौन सी क्लास है? जहाँ हम पढ़ते हैं ना अंकल, वहाँ फर्श नहीं पड़ा हुआ। अच्छा 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 बेटे बताओ कि आप स्कूल कैसे जाते हो? मैं स्कूल जाती हूँ सोमा पर। सोमा पर? ये कौन सी गाड़ी है बेटे? गाड़ी नहीं, हमारी भैंस। ठीक है ठीक है। पर अंकल हम ना सोमा पर स्कूल जाते हैं रोज लेट हो जाते हैं। क्यों बेटे? सोमा को पोलियो है ना, उसकी मम्मी ने अमिताभ अंकल की बात नहीं मानी। अच्छा ठीक है बेटे। आपकी मैडम कैसी है, आपको मारती है? किसका बंदरी का नाम ले दिया। इतनी गंदी है ना मेरी मैडम अंकल, जब हम पढ़ते नहीं है ना सारी क्लास को मुर्गा बनाती है, मेरे को कसुआ बना देती है। अच्छा लली बताओ कि आपके पापा कैसे हैं? हाय मेरे पापा इतने ताकतवर हैं ना अंकल, मैं आपको क्या बताऊं, इतने ताकतवर हैं 5 मिनट में ना 7 आंटियों को पकड़ते हैं। जब हमारे साथ वाले गीता आंटी ना कपड़े सुखाने के लिए सत पे जाते हैं ना, डैडी पीछे जाके जफ्फी डाल लेते हैं। सोड़ते ही नहीं मेरा डैडी। मेरा डैडी 1 मिनट में ना 40 पप्पियां करते हैं ऐसे। अच्छा लली बेटे मम्मी के बारे में बताओ। अंकल इतनी अच्छी है ना मेरी मम्मी, मुझे इतना प्यार करती है ना, ये नहीं कि मैं उनकी बेटी हूँ, दूध वाले अंकल को, टोपी अंकल को, केबल वाले अंकल को, हाय मैं क्या बताऊँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा बेटे लल्ली बहुत अच्छा, ये गिफ्ट है, हम आपके जो भी हमारे शो में आता है हम उसको देते हैं, ये लो गिफ्ट। हाय गिफ्ट, मैंने नहीं लेना, मैंने नहीं गिफ्ट लेना। क्यों बेटे लो। नहीं मम्मी। बेटे मम्मी कुछ नहीं कहती। नहीं मम्मी ने कहना कुछ नहीं है, जो हमें गिफ्ट मिलता है ना वो आगे गिफ्ट कर देती है। अंकल जी मेरे से इतने सवाल पूछे जा रहे हो। हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ बेटे पूछो। अनुपम अंकल आप गंजे हो, सर पे दाढ़ी क्यों नहीं रखते? अंकल जी सिद्धू अंकल। हाँ जी। धन्यवाद। नमस्ते अंकल। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते। अप्पा जी लल्ली पहुंच गई ऑडिशन देने, आप एयर होस्टेस क्यों बनना चाहती हैं? अपनी मैडम की वजह से, वो कहती थी तुम धरती पे बोझ हो। नहीं नहीं फिर भी आप एयर होस्टेस क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि हमारे घर की माली हालत ठीक नहीं है। अच्छा वो क्यों? हमारे घर में माली नहीं है। आपके घर में माली क्यों नहीं है? क्यों नहीं आपके घर में माली? फुटा है मुंह तुम्हारा, हमारे घर में गार्डन ही नहीं है। अच्छा आप इतना तैयार होके एयर होस्टेस की ड्रेस डाल के आई हैं कि आपको क्या लगता है ये नौकरी मिल जाएगी? मिल जाएगी क्या? मिल गई। आपकी जरूरत है मेरे को ना करने दी, मेरी फ्लाइट का टाइम होगा शत्रु जी, मैं फ्लाइट में जा रही हूँ। अब सिद्धू बाजी लल्ली पहुंच गई फ्लाइट पे, पायलट ने कहा कि लल्ली तुम ऐसे करो गेट पे खड़े होके ना यात्रियों का स्वागत करो। ठीक है सर, वेलकम वेलकम सभी को, एक पंजाबन कुड़ी पटाका शत्रु जितने में पायलट आ गया, कहते लल्ली ये कैसा गाना गा रही है, 2 यात्री भाग गए हैं, तुम्हें वेलकम करने के लिए भेजा है, डराने के लिए नहीं। सॉरी सर। जाओ
कैबिन में जाओ, सेफ्टी के बारे में बताओ। वेलकम, हमारे सुमंतर एयरलाइंस ने हमारी ये उड़ान ना अमृतसर से लेकर बॉम्बे तक 3 घंटों में पहुंचाएगी। अगर बॉम्बे में लैंडिंग मिल गई तो, नहीं तो फिर ऊपर ही उड़ते रहोगे। मेरी एक बार कान खोल के सुन लो, मैंने सेफ्टी के बारे में एक ही बतार बताना है। मैं किसी के बाप की नौकर नहीं लगी। हमारे विमान में शत्रु जी 4 द्वार हैं, 2 आगे की तरफ हैं, 2 पीछे की तरफ हैं। खुलता कोई भी नहीं है। और अपने अपने सीट की पेटी बांध लीजिए, वैसे मर्जी है बांधनी है बांधो, नहीं बांधनी है ना बांधो, टकराया तो सभी ने मरना है। किसी को सांस की प्रॉब्लम हो ना, अपना ऊपर वाला बटन दबाओ, ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएगा, पर उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो मैंने ले ली है। जहाज में आप सबको भोजन दिया जाएगा, अगर मेरे खाने के बाद बच गया तो। जहाज में चॉकलेट ट्रॉफियां बिस्कुट थे, पर अब नहीं है। उड़ान के दौरान ना जहाज की सारी बत्तियां बुझा दी जाएगी, पर किसी ने किसी की मां भैन को नहीं सेड़ना। इतने में शत्रु जी जहाज उड़ा, सारी बत्तियां बंद होगी, एक लाइट बंद नहीं हुई। मुसाफिर ने कहा, एक्सक्यूज मी, लाइट बंद नहीं हो रही। तुम कहाँ से हो? I'm from America. फिर तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम तो उजाले में भी सबकी माँ बहन नसेड़ लेते हो। अब इतने में शत्रु जी पायलट ने लल्ली को बुला लिया, कहते लल्ली ऐसा है कि वो एक सीट नंबर वाले को ना खांसी बहुत हो रही है, दवाई देकर आओ। हाँ। और लल्ली दवाई देकर आ भी गई। लल्ली तुमने कौन सी दवाई दे दी? सर मैंने उसको जुलाब की गोली दे दी। क्या, पर उसे तो खांसी है, जुलाब की गोली खांसी पे कैसा असर होगा उसका? है सर, वो देखो असर हो तो रहा है, तभी तो वो खांसने से डर रहा है। इतने में शत्रु जी लल्ली कैबिन से रोती हुई बाहर आई। मुसाफिरों ने पूछा, मैडम क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मैं ना पायलट को जूस देने गई, इसने मेरे को सेड़ा, मेरी पप्पी ले ली। मैंने इसको मुक्का मार दिया है। भी अच्छा किया आपने उसको मुक्का मार दिया, कोई बात नहीं, आप रोइए मत, हम बॉम्बे पहुंच के ना पायलट की शिकायत करेंगे।